चलो चलो भाई, डंकी पे ठीक है, वापस आते हैं। डंकी डंकी की बात कर ले। तो तो कैसी लगी डंकी डंकी दोस्तों डंकी? मुझे अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी डंकी। और मैं देख के समझ पाया कि भाई ये पिक्चर उस तरीके की नहीं कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोचा जाए। ठीक है, अब जिस तरीके का वो वीज़ा प्रोसेस क्या होता होगा 90s का, मुझे वो नहीं पता। ठीक है ना, वो सीरियस इश्यूज़ को कॉमेडी वे में प्रेजेंट करने को क्या कहते हैं, कोशिश करती है, एक एक्सटेंट तक कर भी लेती है। लेकिन हाँ, ये बात मैं समझ पाता हूँ कि हिरानी की सबसे बेस्ट मूवी नहीं है। ऑब्वियसली, क्लियरली। हाँ हिरानी की हाँ बाकी मूवीज में जहाँ तुमको ये वाले लेवल के मोमेंट्स देखेंगे ना, ये वो नहीं अचीव कर नहीं पाती। नहीं एक मतलब स्टेडी पेस पे चलती है तुम्हें पूरी फील होता है पिक्चर। ना कि वो क्या कहते, तुम्हें इमोशंस फील कराने के लिए ना चीजें स्ट्रेच कर रही है कि हाँ अब नहीं हुआ तो अब होगा, अब नहीं हुआ तो अब होगा। एक्चुअली ना वो पता है, ये वो वाला ह्यूमर है जो अपन कई सालों पहले देखा करते थे, वो ओल्ड हाँ स्कूल ह्यूमर है ना राजकुमार हिरानी का, हाँ तो मतलब वो टिपिकल आज भी, कैरेक्टर्स टिपिकल ही हाँ हैं। हाँ राइट, तो वो मतलब ना आज भी वही ह्यूमर फिट करने की कोशिश करी गई है, जो आप मतलब स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, यू यू काइंड ऑफ गो अलोंग विद इट, लेकिन जैसे जैसे मूवी वो प्रोग्रेस करती है ना, तो फिर यू काइंड ऑफ रियलाइज कि मतलब हाँ मतलब वो फिर वो मूवी का सिलीनेस उसके लॉजिक को हार्म करने लगता है ना फिर। हाँ मतलब वो फिर वो ओके जोन में जाने लगती है, तो मतलब ठीक है, इट्स ओके। हाँ मतलब सही है, अच्छी पिक्चर है। मैं ऐसे मैं अपने गुड हाँ बुक्स के क्लोज में रखूंगा। मतलब जैसे ना एक होलसम वाली फील देती है ना, मतलब यू काइंड ऑफ फील होलसम, इमोशनल भी फील करा देती है आपको, कॉमेडी मतलब कॉमेडी को देख के आपको क्रिंज फीलिंग नहीं होती। नहीं, वो काफी नेचुरली निकलता है उनका। हाँ क्योंकि आप मतलब जब तक उस जोन में हो जाते हो, जो वो मूवी की एक जोन है उसमें आप चले जाते हो, तो हाँ वैसा रहता है। हाँ बादल तुम्हें कैसे लगे? तो वही पॉइंट वही था कि मतलब कॉमेडी को लेके ट्रेलर के अंदर जो लाइंस बिल्कुल ही नहीं काम करते, वो थोड़े इफेक्टिव होने लगते हैं पूरे माहौल के कारण। बट दो बड़ी मूवीज आ रही थी साथ में, तो मैंने बनाया मास्टर प्लान, सोचा जाता हूँ बम्बई, शाहरुख खान के शहर में देखूंगा पिक्चर। और मैं लिटरल सिर्फ मूवी देखने के लिए आया हूँ यहाँ पे। भाई ये बता, मुझे मुझे आज रियलाइज हुआ, एक दिन आगे पीछे था, मैं सोचा एकदम चिल हो जाएगा काम, लेकिन नहीं, मुझे भी शिफ्ट हाँ कर जाना चाहिए था जैसे मैंने बारबी और ओपनहाइमर के लिए किया हुआ था। ठीक है कि हाँ देखा, फिर शाम को हाँ चिल होके चला गया, फिर देख ली, सुबह आराम से डाल दी, घर भी हाँ चले गए। तो हाँ मुझे फील हुआ कि अगर एक दो दिन का ऐसे डिफरेंस भी है तो शिफ्ट कर जाए, और ऊपर से बहुत मूवीज आ गए, तीन, बहुत बड़ी बात है भाई मतलब वही देखने के लिए है, भाई। बट मेरा ऐसा था कि मतलब यहाँ पे आके देखता हूँ मैं, और जब मैं निकल गया रात के ट्रेन से, ठीक है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ शायद सालार देखने के लिए हैदराबाद जाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता, क्योंकि वहाँ की क्राउड और पूरा वो ओरिजिनल लैंग्वेज वगैरह में देखना। फिर मैं टिकट सब बुक करने का ट्रैक कर रहा हूँ, सब सब बुक, ठीक है, सुबह तुम 4 बजे का शो लगा हुआ है, ध्यान से जाना, चार बजे का ठीक शो है? हाउसफुल। तुम हो नोन चेहरे, हो BNF TV, पकड़ के कूटना भाई दे तुमको। कह कल के ये लफड़ी लफड़ी कह लगा के रखा दे है उन्होंने। ये, अच्छा क्योंकि भाई सब प्रभास वाले जुटे हुए, वही ये है ना साहू वाला, ये है ना राधेश्याम वाला, ये आदि पुरुष वाला, आदि पुरुष आदि वाला। पुरुष तो भाई, आदि पुरुष तो हमारे यहाँ पता रहते हैं चला, भाई। पता चला मोहित तो मेरे हिस्से का भी मार खा के बादल आया। ये ऐसे ऐसे रिस्क नहीं लेना जिंदगी में भाई। नहीं नहीं मतलब देखो मैं रात को है ना बुक माई शो पे देख रहा हूँ, 4 बजे या 6 बजे का कोई तो एक शो था, ठीक है, और लंबा थिएटर है वो, बहुत सारे सीट्स हैं उसके अंदर, एक ही सीट खाली वो भी एकदम आगे वाले रो में, ओहो, और वो बादल भी मैं बुक तुम्हारे कर लिए सकता थी था। खाली, ठीक हाँ, फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं, आगे आके प्रवास के फैंस नाचने लगे और उनको मैं दिख गया, भाई वो तुम्हारे सीट पे लिए खत्म ही हो जाऊंगा। थी, ठीक है? वो वो प्रभास उसमें जैसे एक ही मुक्के से दो लोगों को मारता है ना, दोनों प्लीज आई जैसे काइंडली ऐसा पड़ती है रिक्वेस्ट। मेरे को वही, बट नहीं तो वो वो अपॉर्चुनिटी चली गई। नेक्स्ट टाइम में भी दो बड़ी पिक्चरें क्लैश करें तो जाएंगे होम स्टेट में देखने के लिए। और जैसे अगर अपन बट डंकी की बात कर रहे थे तो हाँ, डंकी देखने गया था मैं, 6:15 का शो था, ठीक है, उसके लिए 5 बजे का उठा हूँ, टाइम पे पहुंच गया थिएटर और चालू ही नहीं कर रहे हैं पिक्चर को, 7 बजे लगाया है उन्होंने, मतलब 45 मिनट्स ऐसे ही बैठे हम लोग, स्क्रीन ब्लैक है पूरी, कि अब चालू होगा अब चालू होगा, 7 बजे लगाया वो, उसमें लोग दंगा कर रहे हैं वो अलग, थिएटर अच्छा नहीं था, मूवी मैक्स करके शायद फ्रेंचाइज है,
पीवीआर आईनॉक्स जैसे बहुत घटिया एक्सपीरियंस था। ये आज मेरे साथ हुआ है, बताऊंगा मैं। भाई यार मेरे से पूछ मत, मैं तो ट्विटर पे आ गया था भाई बकचोदी करते हुए मैं। तो ये तब सुबह गया हूँ मैं और मतलब थकान वगैरह सब कुछ है, बट मूवी ने वो भुला दिया जब मूवी। हाँ नहीं नहीं डंकी डंकी है एक्चुअली वैसे पिक्चर।